आसिफ हैदराबाद से। मैं यहाँ खाटी में रहता हूँ, इंडिया पढ़ने आया था मैं, अब सेकेंड ईयर में हूँ। कल रात से यहाँ यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है। कल सुबह से ही 4 बजे या कुछ 5 बजे में पता चला कि पुतिन ने हल्ला बोल दिया था, तभी से बमबारी हो रही है यहाँ पे, जिसकी आवाज़ से हम लोग सब उठ गए थे। उसके बाद से 7 बजे से हम लोग यहाँ इस हॉस्टल के बंकर में है। सिचुएशन ख़राब है और बमबारी लगातार हो रही है कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि बमबारी रुक रही है बीच में। आधे घंटे का टाइम मिलता है खाना पीना जो भी करना है, उसमें वॉशरूम जाना है, किसी को फ्रेश होना है, 2 दिन हो गए ना आए नहीं है क्योंकि ऊपर टाइम ही नहीं मिलता। आधे घंटे में खाना बनाएंगे या बनाना पड़ रहा है, वही है। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, वही है, एम्बेसी नोटिस डालती रहती है कि हाई वैकेशन ट्राई कर रहे हैं। हमारी साइड से कोई ऐसी हुआ नहीं, हमारी साइड से कोई सब जितना सपोर्ट मांग रहे हैं उतना मिल नहीं है। और तो बस यही है कि कंटिन्यूसली बम एयर स्ट्राइक हो ही रही है। अगर आप अभी जाओगे ऊपर जाओगे, वैसे जाने नहीं दे रहे हमारे जो सीनियर वगैरह हैं 5th ईयर के 6th ईयर के, वो बच्चे रोक रहे हैं क्योंकि ऊपर जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो बंकर में ही स्टे करना है, सिक्योरिटी है और हाँ सिक्योरिटी की वजह से नहीं जाने दे रहे ऊपर। और फिर अगर जाओगे ऊपर तो भी देखोगे तो वाइब्रेशन वगैरह हो रही है, बिल्डिंग खिड़कियाँ वगैरह हिल रही हैं और प्रॉब्लम तो है ही। अब ना तो ऊपर जा पाएंगे, किसी को वॉशरूम जाना है, बस इतनी जगह में रहना है। हाँ यहाँ पे तो इतनी आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको आवाज़ भी आएगी, खिड़की वाइब्रेट होती रहेगी आपकी। डर का माहौल है भाई, ये जो है भाई इंडियन एम्बेसी से दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप करवाएं, बस कुछ लोग से जल्दी जवाब करवाएं हमों को। यहाँ उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन वो बॉर्डर पे स्टार्ट किया है पोलैंड वगैरह, जो कि वेस्टर्न साइड पे है, टोटली हमारी साइड ज़्यादा एयर स्ट्राइक वगैरह ज़्यादा हो रही है कीव में, खार्किव में, से बॉर्डर के रीजन में किलोमीटर दूर है। अभी अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब भी गिर रहे हैं, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब मत, अगर उनको कोई पता नहीं है कि भाई कब फट जाएंगे, जो अनएक्सप्लोडेड है ऑटोमेटिक वो होता है एक्सप्लोशन वाला। मेट्रो में शेल्टर दे रखे हैं, लोगों को स्पेस नहीं मिल रहा, लोगों को घर नहीं मिल रहे, शेल्टर मिल नहीं रहा, कहाँ पर जाएँ, मेट्रो में भरे पड़े हैं। इवैक्यूएशन के लिए क्या बोलना था? इवैक्यूएशन का जब पूछा तो नोटिस डाला था इन्होंने इवैक्यूएशन के लिए कि भैया इवैक्यूएट करवाएंगे। कल डाला था इन्होंने सुबह, कल जब से बमबारी हुई थी उसके बाद से इंडियन एम्बेसी ने नोटिस डाला था कि इवैक्यूएशन होएगी लगेगी। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई एक दिन हो गया पूरा हमें बंकर में रहते हुए, बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि एयर स्ट्राइक हो रही है ना, सामान राशन पानी जो लेके आना होता है वो भी नहीं ला पा रहे हैं, पानी की जो इलेक्ट्रिसिटी वो मशीनें लगी हुई हैं उनमें उनमें भी पानी नहीं, पानी नहीं। और सुपर मार्केट भी सारे खाली है, सब खत्म हो गए, कोई स्टॉक नहीं कुछ नहीं, जाने बाहर जा नहीं जा पा रहे हैं, खाने की समस्या भी है, इवैक्यूएशन की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो तो हमारी किस्मत है कि इंटरनेट चल रहा है, अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो क्या कुछ क्या कर लेंगे, कर नहीं पाएंगे, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, कहीं कुछ बात नहीं हो पाएगी, यही है थोड़ा बस।